हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर स्पॉटिंग इरर्स के 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो फ्रूटफुल साबित होगा, ठीक है? तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर वेरी बैड, यानी कि वैसे लोग जो रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनका जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ख़राब है, ठीक है? तो यहाँ पर कहाँ पर इरर किया गया है, तो द कंडीशन ऑफ, इसमें तो कोई इरर नहीं है। पीपल लिविंग यानी कि जो लोग रहते हैं कहाँ पर, इन रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ तक भी सही है। आर वेरी बैड, यहाँ पर इसमें इरर किया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से। कैसे? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लोग रहते हैं उनकी कंडीशन खराब है, यानी कि ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। तो हमें तो वर्ब भरना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट है द कंडीशन जो कि सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब यहाँ पर कैसा आना चाहिए था, सिंगुलर में आना चाहिए था, यहीं पर इसमें गलती किया गया है, यानी कि यहाँ पर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी में इरर किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर इसके सेंस के बेसिस पे भी समझा जा सकता है कि लोगों के कंडीशन के बारे में बात किया गया है। कंडीशन कैसा है, तो ये सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर में आएगा, तो यानी कि यहाँ पर इज होना चाहिए था आर के जगह पर, ठीक है? तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, आई केम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट मंथ, तो यहाँ पर किस पार्ट में इरर किया गया है, तो आई केम टू नो यानी कि मैं यह जानने के लिए आया, दैट यानी कि योर फादर की तुम्हारे पिताजी हैज डाइड लास्ट मंथ, तो यहाँ पर इरर किया गया है टाइम एंड टेंस से रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने की बात की गई है। जब भी सेंटेंस में कोई पास्ट टाइम रहे या लास्ट वर्ड रहे, लास्ट के साथ कोई भी वर्ड रहे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, ऐसा कुछ भी रहे, इसके अलावा यदि एगो वर्ड भी मिलता है तो ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करता है। हैज डाइड जो है प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, हमें तो इसके अकॉर्डिंग, इस टाइम के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, इस वजह से हैज डाइड में ही इरर किया गया है, ठीक है? यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हैज डाइड ना होकर केवल डाइड होता तो राइट आंसर हो जाता, क्यों? क्योंकि लास्ट मंथ जो है वो कौन से टेंस का इस्तेमाल करता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करता है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, मीना हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड सी डेयर नॉट परचेज अ न्यू रेफ्रिजरेटर, यानी कि मीना के पास खूब सारा पैसा है फिर भी उसकी हिम्मत नहीं होती है क्या करने की, तो रेफ्रिजरेटर खरीदने की, उसका साहस नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पर किस पार्ट में इरर किया गया है, तो आप यहाँ पर देखिए तो कंजक्शन यहाँ पर गलत लगाया है। कैसे? उसके पास खूब सारा पैसा तो है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है रेफ्रिजरेटर खरीदने की, यानी कि वो ये काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेस्ट का सेंस आ रहा है, यानी कि विरोध का सेंस आ रहा है। जब भी सेंटेंस में कॉन्ट्रेस्ट का सेंस आता है तब वहाँ पर बट का इस्तेमाल होता है ना कि एंड का। तो यहाँ पर किस पार्ट में इरर है, तो बी पार्ट में इरर है, ठीक है? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर एंड ना होकर यदि बट लिखता तो राइट आंसर हो जाता, मीना हैज लॉट्स ऑफ मनी, मीना के पास खूब सारा पैसा है, बट सी डेयर नॉट परचेज अ न्यू रेफ्रिजरेटर, लेकिन वो नया रेफ्रिजरेटर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, हिम्मत नहीं करती है, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द लाइब्रेरी, यहां पर इस सेंटेंस में किस पार्ट में इरर किया गया है, तो जब भी सेंटेंस में क्या मिल जाए आपको, एज वेल एज मिल जाए, लाइक मिल जाए, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, ओनली, एक्सेप्ट, विथ, टूगेदर विथ, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसके पहले जो वर्ड लिखा रहेगा वो डिसाइड करेगा वर्ब को। तो यहाँ पर द टीचर सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए था, तो यहाँ पर हैव ना लिख कर यदि हैज लिखता तो राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर सी पार्ट में इरर किया गया है, यहाँ पर हैव गॉन ना होकर हैज गॉन होना चाहिए था, ठीक है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हॉर्स एंड कैरेज आर वेटिंग देयर फॉर द कपल, यानी कि हॉर्स एंड कैरेज जो है कपल का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर इरर किस पार्ट में है, तो यदि आप बी नंबर में सेलेक्ट किए हैं आंसर तो आपका आंसर राइट है। कैसे? हॉर्स एंड कैरेज, ये भले ही एंड से जुड़ा हुआ है, जनरली सेंस में ऐसा होता है कि जब भी दो वर्ड्स एंड से जुड़ते हैं तब वहाँ पर वर्ब प्लूरल में आता है, लेकिन हॉर्स एंड कैरेज यानी कि तांगा गाड़ी की बात की गई है, ये हमेशा यूनिट में आता है, यानी कि इनका इस्तेमाल साथ में होता है, हॉर्स एंड कैरेज, टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, यानी कि इनका इस्तेमाल हम साथ में करते हैं, इसलिए ये सिंगल यूनिट की तरह यूज में आता है, इस वजह से ये वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, भले ही एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर यदि आर ना लिखकर इज लिखता तो राइट आंसर हो जाता, यानी कि बी नंबर में ही इरर किया गया है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है?
सिक्स नंबर क्वेश्चन है यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय, यहीं से आप गलती को पकड़ सकते हैं। कभी भी सब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है नहीं आ सकता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है, इस वजह से यहीं पर गलती किया गया है। यू एंड आई होता तब राइट आंसर होता, ठीक है। ए नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी पार्ट में इरर किया गया है। यहाँ पर यदि करेक्ट करेंगे तो यू एंड आई लिखना पड़ेगा, यानी कि दोनों का दोनों हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी तो ठीक ही है। विल इन्जॉय द फंक्शन बींग अरेंज इन ऑनर ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 5 ईयर्स, यानी कि वह जो है इस कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, ही के साथ हैज़ ठीक है, बीन वर्किंग यहाँ भी ठीक है, इन दिस कंपनी इस कंपनी में प्रीपोजिशन भी ठीक लगाया, सिंस 5 ईयर्स यहाँ पर सिंस या फॉर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है, ठीक है। 5 ईयर्स ये क्या है, एक टाइम पीरियड है, 5 साल एक टाइम का पीरियड है, इस वजह से हम टाइम पीरियड के साथ सिंस ना लगा के फॉर लगाते हैं। तो यही पार्ट में गलत किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, ठीक है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंस की जगह हमें क्या यूज करना है, तो फॉर यूज करना है, ठीक है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है आई यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, यानी कि मैं तुम और वह प्रेजेंट थे किसमें, इस फंक्शन में। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर किया गया है, तो यहाँ तक तो ठीक है। ये तीन का तीनों हो गया सब्जेक्ट, ये जो कि प्लूरल हो गए, इस वजह से वर आ गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये भी सही है। प्रेजेंट यानी कि उपस्थित थे इस फंक्शन में, यहाँ तो सब सही लग रहा है। हाँ, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ही गलती किया गया। कैसे, जब भी कोई जनरल बात रहे तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट का ऑर्डर जो है 2-3-1 में रहता है, किसमें 2-3-1, यानी कि पहले हमें सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करना है, फिर थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। लेकिन यदि कोई निगेटिव सेंस आ जाता है, जैसे कि कोई क्राइम कर दिया, कोई गलती कर दिया, तो उस सेंस में हम 1-2-3 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरल सेंस में हम 2-3-1 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहले हमें सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लिखना है। यानी कि पहले यहाँ पर यू होना चाहिए था सेकंड पर्सन, फिर ही, फिर आई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर गलत तरीके से लिखा गया है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी पार्ट में क्या है, एरर है, ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरीवन, तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का बन गया ये ऑब्जेक्ट, तो ये रहा सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को हमें फिल करना पड़ेगा द मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर द मेरिट सिंगुलर है, तो यानी कि यहाँ पर आर ना होकर इज होना चाहिए था, ठीक है। तो इसी पार्ट में एरर किया गया है, तो कहाँ है, सी नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर आर ना लिख कर यदि इज लिखेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ द मैंगोज आर रादर, तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर किया गया है, क्या कहीं पर गलती है, यदि गलती नहीं है तो नो एरर भरना में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं मैंगोज का एक पार्ट, मैंगोज क्या है, मैंगोज मतलब ये हो गया बहुत सारे आम, प्लूरल, अब प्लूरल का एक हिस्सा, यानी कि ये भी तो प्लूरल ही हुआ, मान लीजिए कि 10 आम है, ठीक है, और 10 आम का एक हिस्सा, यानी कि मान लीजिए कि 3 आम खराब हो गए एक हिस्सा, ठीक है, तो ये भी तो प्लूरल का ही सेंस देगा, यानी कि वर्ब प्लूरल में आना चाहिए था, तो आर भी ठीक लगा हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस में कहीं पर एरर नहीं किया गया है, ठीक है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नो एरर है, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को ऑफ प्रीपोजिशन को देखकर यदि आप सोचेंगे कि द मैंगोज हो गया ऑब्जेक्ट, आ पार्ट हो गया सब्जेक्ट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब भरेंगे, तो यहाँ पर इज होना चाहिए था, यदि ऐसा सेंस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंगोज का एक हिस्सा की बात की गई है, मान लीजिए कि खूब सारे मैंगोज है, उसमें से एक हिस्सा, यानी कि वो भी तो प्लूरल ही हुआ, एक हिस्सा भले ही खराब हो गया, 50 आम का एक हिस्सा, मान लीजिए कि 20 आम खराब हो गया, तो ये भी तो प्लूरल ही है, इस वजह से वर्ब प्लूरल में ही आएगा। हाँ, यदि एक आम रहता, उसका एक हिस्सा खराब रहता एक आम में ही, तब यहाँ पर इज लगाते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेंस के बेसिस पे समझना पड़ेगा, या कि फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई पार्टीशन दिखाए, यानी कि पार्ट रहे, जैसे कि अ पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, तब उसके बाद जो नाउन मिलता है वो डिसाइड करता है वर्ब को, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है ही इज वन ऑफ द ग्रेट मैन दैट एवर हैव लिव्ड, तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर किया गया था, वह है वन ऑफ, यानी कि एक है, ग्रेट मैन यानी कि महान आदमियों में से एक है, दैट हैव एवर लिव्ड, यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, ही इज वन ऑफ द ग्रेट मैन, यानी कि वह व्यक्ति जो है एक है, यानी कि सिलेक्शन दिखाना है, तो एक आदमी में सिलेक्ट थोड़ा ना हो
होगा, यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए था, यम ए एन न लिखकर यम ई एन लिखते, यानी कि खूब सारे आदमियों में से वो एक महान आदमी है, तो हमें सिलेक्शन दिखाना है, तो एक में एक का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, हमें बहुत सारे आदमियों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे के लिए तो बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर लिखना पड़ेगा, और प्लूरल नंबर में यम ए एन न लिखकर यम ई एन का इस्तेमाल करते हैं, तो यम ई एन यानी कि यहाँ पर बी नंबर में ही इरर किया गया है, ठीक है। तो वन ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तब वहाँ नाउन हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर डज सी अराइव्स देन, नो सूनर यहीं पर गलती मिल गया, नो सूनर ये वर्ड जो है अपना कॉम्बिनेशन देन के साथ बनाता है ना कि देन के साथ, ठीक है, टी एच ए एन होना चाहिए था, तो आपको कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा कि वो अपना कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाता है, जैसे कि सो अपना कॉम्बिनेशन बनाता है दैट के साथ, बोथ बनाता है एंड के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, नाइदर नॉर के साथ, आइदर और के साथ, हार्डली हैड वेन के साथ बनाता है, और यदि आपको नो सूनर मिलता है तो वो देन के साथ बनाता है, टी एच ए एन वाला देन, ठीक है, टी एच ई एन वाला नहीं, यानी कि इस पार्ट में ही इरर किया गया है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, बैट्स आर समटाइम्स सीन इन अवर हाउसेस, यानी कि हमारे घरों में बैट्स यानी कि चमगादड़ जो है कभी दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किस पार्ट में इरर किया गया, तो यहाँ पर कभी लिख दिया, यानी कि कभी दिखाई पड़ता नहीं है, फ्रीक्वेंटली कभी कभी दिखाई पड़ता है, जब भी फ्रीक्वेंसी दिखाना हो हमें तब वहाँ पर सम टाइम का इस्तेमाल ना करके सम टाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सम टाइम मतलब हो गया व्हेन समथिंग हैपेंड, यानी कि कोई चीज़ कब होगा, जो कि कभी का सेंस देता है, और सम टाइम्स जो है कभी कभी यानी कि फ्रीक्वेंसी का सेंस देता है, जैसे कि यदि आप यहाँ पर सम टाइम्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसका सेंस आएगा चमगादड़ जो है हमारे घरों में कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, और यदि आप सम टाइम लिखेंगे तो इसका सेंस आएगा कि चमगादड़ हमारे घरों में कभी दिखाई पढ़ते हैं, तो ऐसा सेंस ही गलत बैठ रहा है, हमें सेंस देना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी में कभी कभी वो क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं हमारे घरों में, यहां पर सम टाइम ना लिखकर सम टाइम्स होना चाहिए था, ठीक है, इसी पार्ट में एरर किया गया है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। बैट्स तो ठीक था, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल लगा, यहीं पर गलती किया गया, सम टाइम ना लिखकर सम टाइम्स लिखता तो ये राइट आंसर हो जाता, ठीक है। और सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो आर के साथ सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल लग सकता है, इन अवर हाउसेस हमारे घरों में, ये भी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि दूध जो है हेल्थ के लिए क्या है, बढ़िया है, तो यहाँ पर मिल्क है ये सिंगुलर, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर, मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा, गुड एडजेक्टिव हो गया, ये भी सही है, हेल्थ स्वास्थ्य के लिए फॉर प्रीपोजिशन भी सही लगाया गया है, तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, हाँ यहाँ पर इस सेंटेंस को यदि आप देखें तो ये जनरल सेंस की बात की गई है कि दूध हमारे सेहत के लिए लाभदायक होता है, ये कोई खास बात नहीं की गई है, जनरल सेंस की बात की गई है, और जब भी जनरल सेंस की बातें किया जाए तो अनकाउंटेबल नाउन रहे या कि फिर प्रॉपर नाउन रहे या मटेरियल नाउन रहे तो उसके पहले हमें आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यदि यहाँ पर कोई खास दूध के बारे में बोल देता है, जैसे कि बोल देता है दूध मीठा है, तब वहां पर हम किसी पार्टिकुलर मिल्क के बारे में बात करते जो कि मीठा है, तब वहां पर हम दा लगा सकते थे, लेकिन यहां पर मिल्क स्वास्थ्य के लिए यूजफुल है, गुड है, बढ़िया है, तो यहां पर जनरल सेंस की बात की गई, खास दूध के बारे में बात नहीं की गई, सभी दूध क्या होते हैं, हेल्थ के लिए बढ़िया होते हैं, यहां पर खास दूध की बात नहीं की गई, इस वजह से हम यहां पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन है, मोहन इज द टॉलर बॉय इन द क्लास, तो मोहन है कैसा बॉय, टॉलर बॉय, लंबा लड़का इन द क्लास, क्लास में, तो यहां पर डिफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ, जब भी डिफिनेट आर्टिकल द मिल जाता है तो वहां पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, ना कि कंपैरेटिव का, ठीक है। तो यहां पर टॉलर के जगह यदि हम टॉलेस्ट लिख दें तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मोहन जो है क्लास में क्या है, टॉलेस्ट बॉय, सबसे लंबा लड़का है, इस वजह से किस पार्ट में एरर है, तो बी पार्ट में एरर है, ठीक है, यहां पर टॉलर की जगह क्या होना चाहिए था, टॉलेस्ट होना चाहिए था। 16 नंबर क्वेश्चन है, द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर, तो द हाउस जो कि सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर आ गया, इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में, घर को बनाया गया यानी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो बिल्ट भी ठीक है, इन यानी कि में यानी कि किस तरीके से बनाया गया है, तो अट्रैक्टिव मैनर में बनाया गया, ये सेंटेंस तो एकदम करेक्ट लग रहा है, द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर, एन भी ठीक है, आर्टिकल भी सही लगा है, अट्रैक्टिव वोवल साउंड निकाल रहा है, मैनर यानी कि तरीका, ये भी सही है, इन एन अट्रैक्टिव मैनर,
एक बढ़िया तरीके से बनाया गया। ये सेंटेंस एकदम सही है, यहाँ पर नो इरर। एक और ऑप्शन लिख लेते हैं, ई नंबर में क्या है, नो इरर, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको इसमें कुछ इरर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो एकदम सही लग रहा है। द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर, घर को बनाया गया अट्रैक्टिव तरीके से। सही है, एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इरर नहीं है सेंटेंस में। 17 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम, यानी कि वह सो रहा था अपने कमरे में। ही सब्जेक्ट है, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया हिज, ये सही है। व्हेन अ थीफ इंटर्ड, जब तभी ये क्या हुआ, एक चोर जो है इंटर हो गया, प्रवेश किया इन टू हिज हाउस, उसके घर में। एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, और कई सारे चीजें जो है वो लेकर चला गया। तो जब भी सेंटेंस में इंटर वर्ड मिल जाता है, कहीं किसी कमरे या किसी जगह में इंटर होने का सेंस निकले, तब वहां पर इन टू का उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि इंटर वर्ड जो है इन टू का इस्तेमाल नहीं करता है। इसका मतलब ही हो जाता है, इंटर का मतलब हो जाता है गो इन टू, तो हम दोबारा इन टू क्यों लगाएंगे, तो यहां पर इन टू नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यदि आप किसी बिजनेस में, किसी कन्वर्जेशन में इंटर कर रहे हैं, तब वहां पर इनटू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन किसी कमरे में इंटर कर रहे हैं, तब वहां पर आप इंटर के बाद इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कमरे में ही या घर में ही बात किया गया है, तो यहां पर इनटू नहीं होना चाहिए था, जो कि किस ऑप्शन में है, तो यहां पर सी नंबर में है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहीं पर इरर किया गया है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, आई वेंट टू द लाइब्रेरियन, मैं गया किसके पास, लाइब्रेरियन के पास, एंड कैशियर, और कैशियर के पास गया। एंड दे गेव मी, और उन्होंने मुझे दिया, क्या दिया, ऑल फैसिलिटीज, सभी फैसिलिटीज दी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जो भी फैसिलिटीज की जरूरत थी, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। तो यहाँ पर किस पार्ट में इरर है, तो मैं गया लाइब्रेरियन और कैशियर के पास, यहाँ पर एक में ही आर्टिकल लगा हुआ है, लाइब्रेरियन के पहले, और इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है, यानी कि एक ही व्यक्ति की बात की गई है जो कि लाइब्रेरियन भी है, और साथ ही साथ वही व्यक्ति क्या है, कैशियर भी है। तो इस वजह से ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर दे, दे किसके लिए आया, इसके लिए आया, तो यहाँ पर तो सिंगल व्यक्ति है, तो दे तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ही होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि दे तो प्लूरल का सेंस देता है, यहाँ पर ये सिंगुलर है। तो मैं लाइब्रेरियन और कैशियर के पास गया, उसने मुझे दिया, यानी कि हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति जो कि लाइब्रेरियन भी है और कैशियर भी है, यानी कि किसी सिंगुलर व्यक्ति की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दे की जगह क्या होना चाहिए था, प्रोनाउन ही होना चाहिए था। तो किस पार्ट में इरर है, यहाँ ही कहाँ पर है, ही, हाँ ये, यहाँ पर दे की जगह क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था। ठीक है, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब तो सही है, यहाँ पर यदि आप ही कर देंगे तो उसने मुझे दिया, ऑल के साथ फैसिलिटीज ही आएगा, ये भी सही है, रिक्वायर्ड जो कि जरूरत थी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बाकी सब सही है। यहाँ पर केवल दे की जगह क्या होना चाहिए था, सिंगुलर प्रोनाउन ही होना चाहिए था। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, सी कुड नॉट कंप्लीट, यहाँ पर कुड नॉट मॉडल वर्ब है, इस वजह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। इवन द टू थर्ड, यहीं पर इरर कर दिया। ठीक है, बुक का दो तिहाई हिस्सा, तो टू थर्ड ना लिखकर टू थर्ड्स होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर किस पार्ट में इरर, टू थर्ड्स कहाँ, टू थर्ड, टू थर्ड, ये रहा, बी नंबर में ही इरर है। ठीक है, तो जब भी किसी चीज का कुछ पार्ट रहे और वो प्लूरल पार्ट रहे, दो तिहाई हिस्सा है, प्लूरल सेंस दे रहा है, इस वजह से टू थर्ड ना इस्तेमाल करके हम टू थर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो टू थर्ड्स ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी स्केड्यूल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड की जगह क्या होना चाहिए था, टू थर्ड्स होना चाहिए था। ठीक है, 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जानने से पहले यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मन हो तो आपका, यदि नहीं मन हो तब तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी कि दो भाइयों में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ जो है सिलेक्शन दिखाता है, जो कि कोई नहीं का सेंस देता है। ठीक है, नाइदर ऑफ का इस्तेमाल हम दो के लिए ही करते हैं, और उनमें से कोई नहीं का सेंस देता है नाइदर ऑफ। ठीक है, तो दो भाइयों में से कोई नहीं, ये तो सही है एकदम। आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड इरर किया गया। दो भाइयों में से कोई भी नहीं, यानी कि जीरो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, जीरो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, यानी कि सिंगुलर, इस वजह से वर्ब यहाँ पर कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। जब भी आपको नाइदर ऑफ आइदर ऑफ मिले, तब वहाँ पर वर्ब हमेशा कैसा इस्तेमाल होता है, सिंगुलर इस्तेमाल होता है, और नाउन हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है, तो नाउन तो प्लूरल है ही, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर इज होना चाहिए था। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।